नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme X7 Max 5G versus Moto G82 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो X7 Max 5G में 6.24 इंच जबकि G82 5G में 6.33 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो X7 Max 5G में 2.89 इंच जबकि G82 5G में 2.93 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो X7 Max 5G में 0.33 इंच जबकि G82 5G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो X7 Max 5G में 179 ग्राम्स जबकि G82 5G में 173 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो X7 Max 5G में सुपर AMOLED जबकि G82 5G में की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो X7 Max 5G में 6.43 इंचेस जबकि G82 5G में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो X7 Max 5G में 85.92% जबकि G82 5G में 87.91% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो X7 Max 5G में 409 पिक्सल प्रति इंच जबकि G82 5G में 399 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो X7 Max 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और G82 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो X7 Max 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G82 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो X7 Max 5G में माली G77 MC9 जबकि G82 5G में Adreno 619 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो X7 Max 5G में MediaTek Dimensity 1200MT6893 और G82 5G में Qualcomm Snapdragon 695 मिलता है। बात करें RAM की तो X7 Max 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8GB 12GB की RAM मिलती है जबकि G82 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो X7 Max 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB की स्टोरेज मिलती है जबकि G82 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो X7 Max 5G में नहीं है जबकि G82 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो X7 Max 5G में Android V11 जबकि G82 5G में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी X7 Max 5G में 4500 mAh जबकि G82 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो
X7 Max 5G में 3 कलर्स जबकि G82 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो X7 Max 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 29,920 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें G82 5G की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 21,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 22,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme X7 Max 5G में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G82 5G की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में X7 Max 5G आगे है, मेन कैमरा में X7 Max 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में X7 Max 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy A22 5G है, दूसरा Xiaomi Mi 11i है, तीसरा Vivo V23 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G71 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।